स्टूडेंट, हमने पहले लेक्चर में देखा था कि पार्ट दो का राख की चूड़िया, जिसके लेखक थे कामतानाथ, जिसने बद्धू जैसे व्यक्तियों की मनस्थिति का वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लेखक को बद्धू को बद्धू काका कहते थे, मामा न कहकर काका कहते थे, क्योंकि गांव के सारे बच्चे बद्धू को काका कहकर बुलाते थे। बद्धू के पास लेखक जो है वो दोपहर का सारा समय उसके पास जाके बिताते थे। वो बद्धू जो है लेखक को आम खिलाता था, दूध के ऊपर की मलाई जो है वो खिलाता था। फिर भी लेखक को वो सब बातों को याद न करते हुए लेखक को जो दो चार रोज की गोलियां बद्धू बनाकर देता था, वो गोलियां उन्हें बहुत पसंद थी। यहाँ तक हमने पहले पीरियड में देखा था। सो स्टूडेंट, आज हम हमारा दूसरे पीरियड में आगे के पार्ट की ओर नजर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा दूसरा पार्ट दूसरा पीरियड में मैं बबीता हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। लेखक के पिता की बदली दूर के शहर में हो जाने के कारण लेखक जो है वो अपने मामा के गांव जा नहीं सके थे। तब लगभग 8-10 वर्षों से बाद जब लेखक वहां गए तो इतने बड़े हो चुके थे कि अब उन्हें लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रह गई थी। मतलब कि उम्र के पड़ाव अलग अलग होते हैं। बचपन में कुछ बातें अलग हमें पसंद होती हैं और जब बड़े हो जाते हैं तब कुछ चीज़ें अलग पसंद होती हैं। तो लेखक की पसंद भी अब बदल गई है। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बच्चों का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, जो कि लेखक जब छोटे थे तब सभी स्त्रियों के हाथ में लाख की चूड़ियां पहने हुए देखते थे। पर अब इतने सालों के बाद लेखक जब मामा के गांव आए हैं तब सभी स्त्रियों के हाथों में कांच की चूड़ियां देखते हैं। विले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बद्धू का ध्यान हो आया। अचानक बद्धू का प्यार लेखक को आ गई। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा जो है वो उस समय घर पे नहीं थे। मुझे भी उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। लेखक की बहन जो है वो बरसात के दिनों में कहीं पे फिसल कर गिर पड़ी और उसकी कलाई पे कांच की चूड़ी है, उसका कांच उसकी कलाई में घुस गया। तो लेखक को ही उसकी मरहम पट्टी करने लगी, तभी उसको बद्धू की याद आ गई। तभी सहसा मुझे बद्धू का ध्यान हो गया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बद्धू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर बैठा था। लेखक तभी बद्धू को मिलने चले गए। उसने वहीं चबूतरे के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ देखा। नमस्ते बद्धू काका, मैंने कहा, लेखक ने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि लेखक जो है वो बहुत ही छोटे थे तब बद्धू के पास जाया करते थे। अब जबकि 8-10 सालों के बाद वो अपने मामा के गांव आए हैं तब बद्धू जो है उसे पहचान नहीं पाया और देर तक उसकी ओर निहारता रहा। मैं
बंदूक को लेखक अपना परिचय देते हुए कहते हैं, मैं जनार्दन हूँ काका। तभी उसकी मनोस्मृति पटल पर यानी कि उसके दिमाग पर, उसके मस्तिष्क पर बहुत जोर का दबाव डाला। तब उसको याद आया और वह एकदम से बोल पड़ा, आओ लल्ला बैठो, बहुत दिनों बाद आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर साथी थोड़ी देर तक दोनों में कुछ बातचीत नहीं हुई, दोनों शांति से बैठे रहे। मैंने उधर उधर दृष्टि दोहराई, न तो मुझे उसकी मछलियाँ भी नजर आई और ना ही भूखी। मतलब बस बंदू जो है वो जिस वस्तुओं से, जिस उपकरणों से अपना काम करता था, उनमें से कोई भी चीज लेखक को दिखाई नहीं दी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक जो है वो बंदू से पूछते हैं कि आजकल आप काम नहीं करते? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से करते हैं, मेरी बनाई हुई चूड़िया को पूछे तब तो। लेखक जो है वो बंदू से पूछते हैं कि आजकल काम नहीं करते, तब बंदू जो है वो जवाब देता है कि आजकल कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ गया है, इस कारण मेरी चूड़िया, मेरे नाम की बनी हुई जो चूड़िया है उसे कोई पूछता नहीं है, गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला। वो थोड़ी देर तक बंदू जो है चुप रहता है और कहता है, आजकल मशीनी युग हो गया है, इसलिए आजकल सब मशीन से काम होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है नाक में कहाँ संभव है। बंदू जो है वो अपने मन में जो चल रहा था वो ही लल्ला को बता देता है कि आजकल सारा काम मशीन ही कर रहे हैं, खेतों में काम भी मशीन ही करते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वो लाख की चूड़िया में कहाँ है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। बंदू अपने मन की दो भावनाएं लल्ला को यानी कि लेखक को बताती है। एक तो ये बताती है कि जो कांच की चूड़िया है वो बड़ी खतरनाक होती है, और पहले बताता है कि जो कांच की चूड़ी में सुंदरता है वो लाख की चूड़ी में नहीं है। और कहते हैं कांच की चूड़ी जो है वो बहुत ही जल्दी टूट जाती है। नाजुक तो फिर छोटा ही है लल्ला, और कांच जो है वो बहुत ही नाजुक होता है। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मतलब जब ये दोनों बातें कर रहे थे तब बीच में बंदू को जोर से खांसी आई और देर तक खांसते रहा। मुझे लगा उसे दमा है, लेखक को लगा शायद उसे दमे की तकलीफ है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था, मतलब उम्र के साथ साथ उनका शरीर जो है वो ढल चुका था, मतलब कमजोर हो गया था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, उसके हाथ पैर और माथे पे नसें जो है वो साफ दिखाई देती थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका थापी और बोला, उसने मेरे मन में जो शंका थी वो माप ली, उसे समझ में आ गई और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, मतलब फसली यानी कि मौसम की वजह से खांसी है, यही महीने दो महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा यानी कि दुख छुपा हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। लेखक जो है वो मन में सोचते रहते हैं कि इस मशीनी युग के कारण न जाने कितने लोगों के हाथ, कितने लोगों का गुजारा जो अपने व्यवसाय के कारण था वो आज मशीनी के कारण ठप हो गया है। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? वो अपने इस शांति को, इस चुप्पी को तोड़ते हुए बोलते हैं कि आम की फसल अब कैसी है। कुछ देर पश्चात मैंने बात को उनसे बदलते हुए कहा। कुछ देर बाद उसकी चर्चा को अंत करते हुए लेखक ने बात को पलटते हुए कहा, अच्छा है लल्ला,
बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे लज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी वह मुखातिब होकर बोला, मुखातिब मतलब मुंह घुमाकर, लेखक जो है वो लल्ला यानी कि लेखक बंधु जो है वो लेखक की ओर मुंह घुमाकर बोलते हैं, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, मतलब कि लेखक को आम बहुत पसंद है। तो बदलू जो कहता है कि तुमने कितने ही सारे आम क्यों ना खाए हो, फिर भी मैं आज तुम्हें आम खिलाए बिना नहीं जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बजाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। लेखक को वो दूध में से मलाई की बात भी याद आ गई और पूछा, गाय तो अच्छी है ना। तब उत्तर में कहा बद्दू ने, 2 साल हुए बैठ गई, कहाँ से खिलाता। बद्दू जो कहता है कि अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं गाय को खिला सकूं। अंदर से एक डलिया यानी कि टोकरी में से ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतना कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी घर है ना, मतलब कि गांव के जो लोग हैं वो हष्ट पुष्ट होते हैं और शहर के जो लोग हैं वो इतना सारा नहीं खा सकते, इसलिए वो बोलता है हंसता है कि तुम शहरी हो ना इसलिए नहीं खा पाओगे। मैं तुम्हारे बंदा था तो इसकी चौक में आम एक वक्त में खा जाता था। लेखक को बदलू कहता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो ये सारे आम है इनसे चौक गुना यानी इनसे 4 गुने ज्यादा एक ही वक्त में एक ही टाइम पे ये सारे आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, मतलब काट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर पटा दिया, मतलब अपनी हथेली में लेकर मेरे सामने रख दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, मतलब रुक गई। ठिठक जाना मतलब रुक जाना। लेखक की निगाह है जब रज्जो उसके सामने आम दे रही थी तब उसकी नजर उसकी कलाई पे ठिठक गई, रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाखी चिड़िया बहुत ही भौंक रही थी। रज्जो की गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की जो चिड़िया है वो बहुत ही भौंक रही थी, मतलब की चच रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। बद्दू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आपने चूड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। बद्दू जो है वो उसकी दृष्टि को पहचान लिया और बोला कि यह आखिरी चूड़ा मैंने बनाया था। किसके लिए बनाया था, तो जमींदार साहब की बेटी के लिए बनाया था, उसके विवाह के लिए। 10 आने पैसे मुझको दे रहे, 10 आने मुझे दे रहे थे, मैंने चूड़ा नहीं दिया। कहाँ शहर से ले आओ, 10 आने के लिए वो मुझे दे रहे थे तो मैंने उन्हें यह चूड़ा नहीं दिया और कह दिया कि तुम शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। आम खाए और कुछ देर वहाँ पे रुके फिर वापस चले आए। मुझे प्रसन्नता हुई कि बद्दू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। लेखक को बहुत ही प्रशंसा हुई कि मशीनी युग के कारण काठ की चूड़िया आ जाने के बाद भी बद्दू जो है वो अपने व्यक्तित्व से हार नहीं माने थे। उसका व्यक्तित्व काठ की चूड़ियों की तरह जैसा न था कि आसानी से टूट जाए, काठ की चूड़ी जो है वो आसानी से टूट जाती है। तो लेखक कहते हैं बद्दू का व्यक्तित्व जो है वो आसानी से टूटने वालों में से नहीं था, इसलिए इस बात पर लेखक बहुत ही प्रसन्न हुए। सो स्टूडेंट,
एक हो गया हमारा दूसरा पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पे कठिन शब्दार्थ लिखे गए हैं, कुछ मुहावरे और उसके अर्थ दिए गए हैं। तो स्टूडेंट ये आपको देखकर आपकी नोट में